Art for Peace Society Organizing Online Art Classes Day 5. By Mr. Aman Singh Gulati, world's first Hammond artist, multiple world records holder and awards winner. दमन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। आज की क्लास में हमको एक HP पेंसिल, नॉन डस्ट इरेजर, शॉर्पनर, कुछ शेडिंग पेंसिल और ब्लेंडिंग स्टम्प्स चाहिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमने डे 1 में लाइन्स के ऊपर वर्क किया था। डे 2 में हमने उन लाइन्स से कुछ शेप्स क्रिएट किए थे। डे 3 में हमने कुछ कर्व शेप्स क्रिएट किए थे और डे 4 में हमने उस शेप से कुछ फिगर्स क्रिएट किए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले अपनी फिफ्थ क्लास में डे 5 में कुछ सिलेंड्रिकल शेप्स क्रिएट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम एक सिलेंडर का शेप देंगे। सिलेंड्रिकल शेप के लिए, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि पहले हमें एक ऐसे ओवल, मैंने आपको उस दिन ओवल से कुछ शेप बताया था, तो हमको ने ओवल का यहाँ यूज़ किया सबसे पहले। फिर हमने दो सीधी लाइन्स लिख के तो फ्रेंड्स ये एक हमारा सिलेंडर का शेप हो जाता है। हमने इसमें जो सबसे डे 1 में लाइन्स का यूज़ किया था उनको भी यूज इसमें किया है। फ्रेंड्स, अब हम इसी सिलेंडर की यूज़ से कुछ शेप्स क्रिएट करेंगे। ये हमारा पानी भरने वाला जग हो गया। नॉर्मली सबके घरों में अवेलेबल होता है, स्टील का या कॉपर का, अलग अलग टाइप से आते हैं। इसके ऊपर हमें छोटा सा ऐसे डॉट्स कर देंगे तो ये बंद का इसका शेप होगा। इसके साथ साथ मग होता है सबके घरों में, ग्लास, हम हाफ सर्कल का यूज करेंगे फ्रेंड्स, बाउल। अब हम फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ लीव्स पे बात करेंगे आज। सबसे पहले हमको लीव्स के लिए कर्व शेप क्रिएट करना पड़ता है। लीव्स कैसे कैसे होते हैं इस पर आज वर्क करेंगे। और इसके अलावा
फ्रेंड्स, अब हम कुछ फ्रूट्स के शेप्स को क्रिएट करेंगे। फिल हो गया। ग्रेप्स हो गए। चाय हो गई। वाटरमेलन। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, सिलेंड्रिकल शेप्स, कुछ लीव्स और फ्रूट्स के ऊपर वर्क किया है। कल हम इसी में शेडिंग्स कुछ करेंगे। होप करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब नाउ फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड जॉइन दिस ऑनलाइन आर्ट सेशन फुली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।